अखिलेश यादव कोरोना वायरस से संक्रमित महंत से मिलने के लिए हरिद्वार पहुंच गए, जिसके चलते बताया गया कि ये तो कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। देश के अंदर एक बार फिर से कोरोना अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि सरकार भी अब सख्ती के कदम उठा रही है। वहीं आपको ये मालूम होगा कि यदि किसी आदमी को कोरोना वायरस होता है तो उससे मुलाकात करने की डॉक्टर की भी इजाज़त नहीं है और इसको उल्लंघन माना जाता है। यदि कोई जोर जबरदस्ती करके कोरोना वायरस से संक्रमित इंसान के साथ मेलजोल बढ़ाए, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार योगी सरकार इस महामारी से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश का ही एक जाना माना नेता कोविड-19 के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जो लगातार योगी सरकार के कामकाज के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन आपने आज जो भी किया वो उनकी नज़रों में बिल्कुल ठीक है। ऐसे में अब अखिलेश यादव कोरोना वायरस से संक्रमित महंत से मिलने हरिद्वार पहुंचे, जिसके चलते अब बताया गया कि ये तो कोरोना का उल्लंघन है। दरअसल हरिद्वार में महंत नरेंद्र गिरी महाराज, जो कि फिलहाल कोरोना से संक्रमित हैं, अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। यही नहीं बल्कि उन्होंने उनको माला भी पहनाई तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.